हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, अभी हुआ है मॉर्निंग का टाइम और मैं बच्चों को अभी स्कूल के लिए बाहर छोड़ के आई हूँ और अब कर रही हूँ मैं पूजा। तो सुबह की भाग दौड़ में ना पूजा में मन नहीं लगता, इसलिए बच्चों को छोड़ने के बाद आराम से पूजा कर लेती हूँ और थोड़ा सा समय भगवान के साथ बिता लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन टाइम नहीं मिलता घर के कामों में। और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में और आज मुझे बनाना है मूंग दाल का चीला। कई दिनों से ना पराठा खा खा के बोर हो गए थे, तो आज कुछ मन का नया बनाया जाए। तो मूंग दाल को मैंने रात को ही पानी में भिगो दिया था और अब उसे बिना पानी के पीस लूँगी। मतलब पानी थोड़ा डालना है जिससे ना दाल बस पीस सके, उतना पानी हमें डालना है। और दाल में थोड़ी सी मैंने अदरक, हरी मिर्च और जीरा डाल दिया था, जिससे ये सारी चीज़ें भी दाल के साथ अच्छी तरह से पीस जाएंगी। तो दाल को मैंने दरदरा नहीं, बिल्कुल बारीक पीसा है। तो सारी दाल को मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है और उसके बाद उसमें ऐड कर दूंगी मैं कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियाँ जो आपके पास हो आप उसमें डाल सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे प्याज, टमाटर, गाजर और हरा धनिया था, तो मैंने वो डाल दी। इसके बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और कुछ मसाले डाल लेंगे, जैसे नमक और चाट मसाला मैंने डाल दिया था। और उसके बाद नॉन स्टिक तवे पे इसे हल्के हाथ से फैला देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं कितनी बार बना चुकी हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती उलटने में या फिर पलटने में। कई लोग कहते हैं हमारा चीला चिपक जाता है, तो उनको मीडियम फ्लेम पे उसे फैलाना चाहिए और बिल्कुल ही हल्के हाथ से। कोई परेशानी नहीं होती, आप चाहें कभी भी बना सकते हैं इसे। तो जी, मैंने अपने लिए और आशु जी के लिए बना लिया है ब्रेकफास्ट, मम्मी के लिए रोटी बना दी है और अब बन रही है हमारी चाय, क्योंकि चाय के बिना तो हमारी गुड मॉर्निंग होती ही नहीं है। और चाय हमारी बन के तैयार थी और मैंने अपने लिए और आशु जी के लिए चाय डाल ली थी। तो फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म हेल्दी नाश्ता आप भी कर लीजिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी रूम में, ताकि मैं पंखा चला के सब्जी काट सकूं। तो अभी तक रचना आई नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं अपनी सब्जियाँ काट लेती हूँ, आटा वगैरह लगा लेती हूँ, ताकि फिर जब उसके साथ सफाई करवाऊं तो मेरा ये काम आसानी से निमट जाए, क्योंकि मैनेज तो करना ही पड़ता है लेडीज़ को, कैसे करना है कैसे नहीं। तो सब्जी काटने के बाद मैं किचन में आ गई थी और मैं बनाने लगी थी सब्जी। तो आज मैं कुकर में ही बनाऊँगी ये वाली सब्जी। वैसे तो घिया कच्ची थी, पर मम्मी को थोड़ी सी तरी वाली सब्जी पसंद है और आज तो इनके लिए भी मैंने थोड़ी यही सब्जी रखी, क्योंकि इनके भी ना गले में थोड़ी सी खराश सी हो रही थी। तो आज इनको दही लस्सी मैंने कुछ दी नहीं थी खाने के साथ, तो अब मैं थोड़ी सी इसमें आज थोड़ी सी तरी वाली सब्जी बनाऊंगी, ताकि आराम से सब्जी खा सके। तो मैंने नॉर्मली तेल को गर्म करके उसमें जीरा और हींग डाल दिया और उसके बाद अदरक, लहसुन और प्याज डाल दी थी। और प्याज जब भुन गई थी तो उसमें मसाले और टमाटर डाल दिए थे। तो मसाले भी हम ज़्यादा ऐड नहीं करते, क्योंकि हम इतने बच्चों के लिए जो बनाती हूँ तो उसमें मसाला वगैरह मैं डाल देती हूँ। नॉर्मली मम्मी के लिए जो खाना बनाती तो उसमें मसाला नहीं डालती, सिर्फ धनिया, नमक और हल्दी डाली है मैंने। और गैस को कर दिया है स्लो, जिससे वो मसाला अच्छी तरह से पक जाए। और साथ के साथ ही मैंने यहाँ पर लगा लिया है आटा। और आटा लगाने के बाद ना मैं आटे को अलग बर्तन में रख देती हूँ और जो परात होती है उसे साथ के साथ धो देती हूँ, नहीं तो वो सूख जाती है। और रचना के लिए भी मैं वो नहीं रखती, मैं अपने आप ही धो लेती हूँ उसे। तो अब मैंने डाल दिए मसाला पकने के बाद अपने घिया, और फिर डाल दूँगी इसमें हल्का सा पानी। वैसे तो घिया बिल्कुल कच्चे थे, अपने आप ही पानी छोड़ देगा, पर मैंने हल्का सा डाल दिया है ताकि हल्की सी तरी बनी जाए। क्योंकि दही छाछ नहीं खाते तो फिर खाना खाने में ना बड़ी दिक्कत होती है, तरी वाली सब्जी से आराम से खाना खा सकते हैं। तो नीचे का काम करने के बाद जी आ गई थी मैं ऊपर, और रचना भी आ गई थी। और मैं कर रही हूँ बेडशीट को, यानी कि झाड़ रही हूँ बेडशीट को, और रचना झाड़ू लगा रही थी। तो मैंने कहा मेरी यही कोशिश रहती है कि उससे पहले मैं ये सब झाड़ जो बेडशीट वगैरह है उन्हें झाड़ दूँ, जो सोफ़े के कवर वगैरह है उनको। तो मैं आज खाना बनाने में नीचे लग गई थी और तो वो थोड़ा सा मिस हो गया, तो मैं अब साथ के साथ ही कर रही हूँ। मैंने कहा अच्छी तरह से एक बार सुबह सफाई हो जाती है ना, फिर पूरे दिन साफ पड़ा रहता है घर और अच्छा भी लगता है, सफाई भी लगती है कि सफाई हुई है। और सभी चीज़ों को मैं उनकी जगह पर रख रही थी, क्योंकि रचना जब सफाई करती है तो कहीं कहीं सब चीज़ डाल देती है, तो उनको मैं मैनेज करके रख रही थी, ताकि सफाई अच्छी तरह से लग सके कि हाँ सफाई हो रही है घर में।
और अब करने लगी थी मैं डस्टिंग, क्योंकि पोछा लगने से पहले डस्टिंग हो जाए तो अच्छा रहता है। और इतनी मिट्टी आती है हमारे यहाँ पड़ोस में भी, इतने पेड़ पौधे हैं तो सारे दिन, अब कई दिनों से हवा इतनी चल रही थी तो बहुत मिट्टी सारे घर में ना मिट्टी मिट्टी हो जाती है। और मैं साथ के साथ कपड़े भी छाट रही थी बाथरूम वगैरह में से, टॉवल वगैरह और बच्चों के कपड़े, क्योंकि मुझे लगानी थी मशीन और अभी अभी आई थी लाइट, कई दिनों से मैंने कपड़े नहीं धोए थे। तो सफाई करवाने के बाद मैं पीछे वाली छत पे आ गई थी, तो वहाँ मैंने पहले ही मशीन लगा रखी थी। जब मैं ऊपर आई थी तभी लाइट आई थी, तो मैंने तभी मशीन लगा दी थी क्योंकि कई दिन के कपड़े हो रहे थे और बहुत मतलब लाइट इतनी परेशान कर रही थी कि जब भी सोचूं मशीन लगाने की तभी लाइट चली जाए, तो हो ही नहीं रहा था। तो अब मैंने लाइट आई तुरंत ही मैंने मशीन लगा दी, तो मेरे साथ के साथ मैंने कहा कपड़े भी धुल जाएंगे और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी हो रही थी तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। और मैंने आज बेडशीट चेंज करी है, रानीकेत के बेड की बेडशीट चेंज करी और अपने बेड की चेंज करी, तो वो भी मैंने डाल दी। सारे लाइट कलर के जो कपड़े हैं वो पहले चक्कर में डाल दिए थे और उसके बाद हल्के हल्के जो डार्क कलर के हैं वो डाल दिए। और पीछे की छत के पास इतनी धूप हो रही थी, ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पर क्या करें, मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना काम किसी भी तरह। अब सुबह 5 बजे उठी हूँ, देख लो उसके बाद भी मतलब अब कितना 11:30-12 का टाइम हो रहा है। और यही सोच रही थी मैं कि लाइट आई है तो फटाफट से मैं कपड़े धो दूँ, क्योंकि खाना तो मेरा बन ही चुका था, मैंने बना दिया था इसीलिए कि मुझे मशीन लगानी है और लाइट आते ही मुझे मशीन लगानी है। तो फ्रेंड्स ये तो हमें अपने आप ही मैनेज करना पड़ता है, एक औरत होती है वो हर चीज़ को मैनेज करके चलती है कि मुझे कब क्या काम करना है। और यहाँ मैंने सारे कपड़े पानी में से निकाल दिए थे और जो कपड़े हाथ के थे जिनमें ब्रश लगना था तो वो मैंने अलग कर दिए थे और मैं उनमें लगा रही थी ब्रश। तो बच्चों की टी शर्ट वगैरह और ये चीज़ें तो गंदी इतनी होती नहीं है, लेकिन जो ये शर्ट पहनते हैं ना उनके कफ और ये कॉलर होते हैं, इन पर ब्रश मारने की ज़रूरत होती है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मम्मी कह रही थी कि अब दोपहर में मशीन लगाई है, और मम्मी फिर ऊपर ही आ गई थी तो मम्मी ने धुले हुए कपड़े रखे थे तो तार साफ़ करके मम्मी भी फिर कपड़ों को सुखाने लगी कि जल्दी निमट जाएगी, नहीं लगी रहेगी इन कपड़ों में। और मैं भी जो कपड़े थे उनको अच्छी तरह पानी में से निकाल निकाल के सूखने के लिए डाल रही थी। तो जब दो बंदे हो जाते हैं तो काम जल्दी हो जाता है फ्रेंड्स, ये तो है, और अकेला आदमी तो अकेला ही होता है। और मम्मी ने सुखा दिए थे सभी कपड़े और मैंने मशीन को वॉश करके जो कपड़ों का पानी था जो बचा था तो मैंने उसी से छत को धो दिया। और फ्रेंड्स इस टाइम पे इतनी हवा चल रही थी गर्म, पर मुझे ये खुशी थी कि हाँ लाइट आते ही मेरा काम हो गया, मेरे कपड़े धुल गए। तो जब भी मैं कपड़े धोती हूँ ना तो जो कपड़ों का गंदा पानी होता है साबुन वाला उसी से छत को धो देती हूँ, जिससे पानी की वेस्टेज भी नहीं होती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो हमें सोचनी पड़ेंगी। और ऊपर से सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी नीचे और मुझे बनाना था खाना। तो बस मुझे यहाँ पे ये बेनिफिट मिला कि मेरी सब्जी बनी हुई थी, आटा मैंने लगा के रखा हुआ था, तो बस फटाफट मैं रोटी बना लूँगी। और मम्मी और मैं मोस्टली 1 बजे तक हम अपना जो लंच है वो कर लेते हैं, और तो मैं मम्मी के लिए खाना बस अब ले कर ही जा रही थी और अपने लिए भी बना लूँगी। बच्चे जब आएंगे और आशु जी जब आएंगे तो उनके लिए तब बनाऊंगी। तो खाना मैंने इसीलिए भी बनाया था कि छोकर साहब अगर बीच में आ जाएंगे तो फिर मुझे कोई दिक्कत ना हो, मैं उन्हें खाना दे दूं, क्योंकि जब वो आते हैं ना तो उन्हें खाना बिल्कुल तैयार मिलना चाहिए, खा के और फिर अपने चले जाते हैं। तो ये था कि फिर मैं ऐसा काम क्यों करूं कि भाई जिससे उन्हें कहने का मौका मिले, तो इसीलिए मैंने खाना पहले ही बना दिया था और उसके बाद अपने कपड़े धोए थे, क्योंकि ये तो हमारा काम है, मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कि मुझे कब क्या काम करना है। तो बस मैंने रोटी बना ली थी और मम्मी के लिए खाना डाल दिया था। और मम्मी के कई दिनों से गला ख़राब था, अब थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो आज मैं मम्मी को खाने के साथ दही दे रही थी, क्योंकि कई दिनों से मम्मी ने बहुत परहेज़ किए हैं क्योंकि गला ख़राब था, तो ठंडी और ये दही वगैरह और ये खटाई वगैरह मम्मी ने बिल्कुल भी नहीं खाई थी। तो बस अब मम्मी का खाना मैंने लगा दिया और रोटी चुपड़ दी थी और मैं देख के आ रही हूँ मम्मी का खाना, और अब बना लूँगी मैं अपने लिए भी खाना। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।